India Boys, आपकी सोच आपकी आवाज। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाई एस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 विकेट से करारी शिकस्त देते हुए 2 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई है। जी हां, भारत के द्वारा दिए गए 127 रनों के लक्ष्य को मेहमान टीम ने आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। कंगारू टीम की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल ने शानदार 56 रनों की पारी खेली। ग्लेन मैक्सवेल के अलावा ऑस्ट्रेलिया के लिए डीआर की शॉर्ट ने 37, मार्क स्टोइनिस ने 1, कप्तान एरॉन फिंच ने 0, पीटर हेनरी कॉम्प ने 13, एश्टन टर्नर ने 0, नाथन कल्टर नायर ने 4, पैट्रिक कमिंस ने नाबाद 7 और जाडे रिचर्डसन ने नाबाद 7 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज नाथन कल्टर नायर को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया है। बता दें कि नाथन कल्टर नायर ने अपने 4 ओवर की गेंदबाजी के स्पेल में 26 खर्च कर 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए। भारत के लिए सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल ने शानदार हाफ सेंचुरी लगाई। राहुल के अलावा कप्तान विराट कोहली ने 24 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। गेंदबाजी की बात करें तो पहले T20 मैच में जसप्रीत बुमराह सबसे प्रभावी गेंदबाज रहे। जीत आ बुमराह ने अपने 4 ओवर के स्पेल में मात्र 16 रन खर्च करते हुए 3 विकेट हासिल। इंडिया बॉयज, आपकी सोच आपकी आवाज।